सीने पे जब रसूल के सूरे उतर गए, सीने पे जब सूरे उतर गए। अब ये दूसरा मिसरा मुझे लगेगा कि महफिल कहां तक जाएगी, शेर सुनिएगा। सीने पे जब रसूल के सूरे उतर गए, कुरान बन सूरे उतर गए, सीने पे जब रसूल के सूरे उतर गए, कुरान बन के फातिमा जहरा के घर गए। अब ये एक मतलब मैं अपने बड़े भाई मौलाना शरण नकवी साहब की दुआओं के साथ पेश करता हूँ, और ये बनारस से यहाँ सलाम की शायरी बहुत अच्छा आप सुनते हैं। अतश भाई देखिएगा कि अस्हाब इश्क शगे में कुछ इतना संवर गए, शम्मा बुझी निखर गए, सीने पे जब रसूल के सूरे उतर गए, कुरान बन के फातिमा जहरा के घर गए। महफिल एक माहौल बन चुका है हमारे। इमरान भाई देखो शायरी पेश करता हूं, सुनिएगा बहुत कीमती शेर। कि छोटे दिखा रसूल के सूरे उतर गए, कुरान बन के फातिमा जहरा के घर गए।
छोटे दिखाई देने लगे अंबिया के कदम इतनी बुलंदियों पे शहीदों के सर गए। अब ये शेर सुनिए, मदे हाजिर में हैबत मौलाए कायनात पेश करता हूँ, सुनिएगा डॉक्टर नायब साहब की दुआओं के साथ। कि तेज़े अली की सूरत रफ्तार देख कर खुद मौत ढूंढती है सरों को किधर गए, खुद मौत सीने पे जब रसूल के सूरे उतर गए, कुरान बन के फातिमा जहरा के घर गए। अब इन मिसरों में भी शायरी हुई है, बनारस है और मजमा बेदार हो गया है, सुनिएगा। जो काम तेरे अबरू में अब्बास ने किया असगर भी मुस्कुरा के वही काम कर गए, उसको कह दो माइक सही करे या सतरन्नुम के शोरा है और अच्छा पढ़ने वाले हैं सब, वरना शुरू में महफिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो बातें बने हो रहेगी नहीं। सीने पे जब रसूल के सूरे उतर गए कुरान बन के फातिमा जहरा के घर गए, जो काम अब्बास ने किए असगर भी मुस्कुरा के वही काम कर गए, कुरान बन के फातिमा जहरा के घर गए, छोटे दिखाई देने लगे अंबिया के कदम इतनी बुलंदियों पे शहीदों के सर गए। एक सलावत पढ़िए हजरत, Allah 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 Allah
शेर अब मैं अपने मोहम्मद भाई की तरफ से पढ़ना चाहता हूँ, पूरे मजमे की तवज्जो। मन कुंतो जब परचेज पढ़ रहा हूं तो सब नहीं है, शेर सुनिएगा। वो क्या लड़ेंगे हजरत अब्बास से भला, खैची हुई लकीर से जो रन में डर गए, खैची हुई साहब, ये बिल्कुल नई मनकवत के शेर हैं। झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे लीजिए फिर झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे हैं, वो रेत की दीवार उठाने में लगे गए। बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे चूंकि नंबर आज सही है। झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे हैं, वो रेत की दीवार उठाने में लगे हैं, दीवार पे कावे की वो पर्दे छुपाने में
छुपाने में लगे हैं। रोज ताने देते हैं कि आप लोग अपनी बस में सिर्फ अली अली करते हो, नबी से बढ़ा देते हो। शेर सुनिए आतिश साहब। हैदर के फजाइल की कोई हद ही नहीं है, जबकि हम थकोगे नहीं है, सो सा के इत्मीनान से महफिल पढ़ रहे हैं, फिर भी ये पढ़ने नहीं देता है। या तो फिर हमारे आमिर कैफी आमिर फैजाबादी एक नया जुमला लेके आए हैं, हजरत मुसलसल महफिलें ना पढ़ने की वजह से आवाज़ गिरफ्ता है, तो हो सकता है वही कैफियत हो। लेकिन शेर सुनिए। तुम कहते हो हम हद से बढ़ाने में लगे हैं। अब ये हासिल कलाम शेर है, पूरे मजमे की तवज्जो। हम उन पे भी दिन रात किया करते लानत, हम उन पे भी दिन रात किया करते लानत, जो करते लानत, जो कातिल जगरा को बचाने में लगे हैं। अब शेर सुनिए, क्या है अजमत शहजादी कौनैन। हमारे बड़े भाई डॉक्टर नायब हलोरी साहब बैठे हुए हैं, बैन अलावामी शोहरत याफ्ता, इनकी दुआओं के साथ शेर सुनिए। उस घर की बुलंदी को भला कौन बताए, उस घर की बुलंदी को भला कौन बताए, जिब्रील जगा झूला झुलाने में लगे गए, जिब्रील जगा झूला झुलाने लगे हैं। हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत, जो कातिल जगरा को बचाने में लगे हैं, जो कातिल जरा को बचाने में लगे गए। अल्लाह ने अलकाब अली को दिए, लेकिन आप काफिये तक पहुंच गए होंगे। अल्लाह ने अलकाब अली को दिए, लेकिन कुछ लोग चुराने में लगे गए। अब ये आखिरी शेर
और बिलखसूस ये जश्न के जो बानियान हैं हमारे मोहम्मद भाई हो, इमरान साहब वगैरह वगैरह जो भी हैं, लेकिन शेर सबके लिए है और ज़बान इस्तेमाल की है पहले मिसरों में। आदर्श भाई शेर सुन लीजिए। कुछ लोग फकत नाम चुराने में लगे हैं, ऐ मौत ठगर जा अभी फुर्सत ही नहीं है, ऐ मौत ठगर जा अभी फुर्सत ही नहीं गए हम लोग, एक कलाम और पढ़ दे रहे हैं मोहम्मद। अब डायरी से ये भी नया है, जिसकी रदीफ है दम लेंगे। फाइनल बात इसी को कहते हैं जब कहीं पर आप कुछ होते हैं, ये हमारा आप कुछ कर नहीं सकते, हम ये काम करके ही दम लेंगे बोला जाता है। बनारस में भी बोला जाता होगा, जलालपुर में ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए मैंने रदीफ कोशिश करते हैं कि पढ़ ले जाएं आखिरी फर्द तक। कुछ शेर है इसमें ज़रा सा। हम इश्क हुसैनी को अपने सीनों में बसा के दम लेंगे, पे कोई बोलता नहीं था, अगले शेर पे सब बोलते थे। शेर सुनिए। ये अज़्म हसन नसरुल्ला है, ये अज़्म हसन नसरुल्ला है, एक मर्द जरी का कहना है, अमरीका व दाइश की हम तो जल्दी आया करो, एक शेर कम पढ़ेंगे वरना। शेर सुनो भैया। अमरीका वो दाइश की हम तो औकात बता के दम लेंगे, जश्न मौलूदे काबा, दो दिन के बाद जश्न फतेह खैबर भी है। शेर सुनिए। जगीरा की पकाई रोटी में वो कुवत गए वो ताकत गए, दरवाज़े
खुलेंगे दरवाजे खैबर को मौला उंगली पे उठा के दम लेंगे। अब ये अकीदे का शेर पूरे मजमे की तवज्जो, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, आपका अकीदा कहेगा तो बोलिएगा, शेर सुनिए। दरवाजे खैबर को मौला उंगली पे उठा के दम लेंगे, दरवाजे खैबर को मौला उंगली पे उठा के दम लेंगे। शेर सुनिए। हम कैदी बने सूली पे चढ़े, हम फाइनल शेर सुनिए रदीब। ए फातिमा जहरा गम तेरे रोजे को बना के दम लेंगे, नाला की फौजों से हंस कर कहते गए अली असगर रन में, चाहूंगा। यह आखिरी शेर है और जाते जाते मुझे अपनी दुआओं से नवाजिए, मैं आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूं, समाप्त फरमाइए। हम कैदी बने सूली पे चढ़े या सर भी गमारे कट जाए, दरबार सितम में